नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुण नरेंद्र। खबर सियासत की है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और उसमें भी मिशन 2024 यानी पार्लियामेंट इलेक्शन से जुड़ी है। और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नवादा लोकसभा सीट पर अपनी गतिविधियां को तेज कर दी है। इसको इस रूप में कह सकते हैं कि फिलहाल जो स्थिति है उसमें यह मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ही नवादा सीट लड़ने जा रही है। और अमित शाह जी जब पिछले साल यानी 2023 के अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में जब हिसुआ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था तो उस वक्त ही कार्यकर्ताओं को इशारा कर दिया था, संदेश दे दिया था कि नवादा में कमल लड़ेगी, कमल खिलेगा वगैरह जो भी है। कार्यकर्ता उत्साहित तो थे ही, लेकिन बीच में जब परिस्थितियां बदली और नए साल 2024 में जब एनडीए पुराने स्वरूप में आया यानी कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार साथ में आ गए, तो उसके बाद कुछ हालात बदले। फिर भी जो स्थिति बन रही है उसमें ऐसा लगता है, एक पत्रकार होने के नाते हम इस चीज को जज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नवादा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और आलाकमान का कहीं ना कहीं हरी झंडी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दो दिनों की गतिविधियां पर हम आपको की ओर लिए चलते हैं। बीता कल यानी कि 4 फरवरी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, दो पूर्व मंत्री, एक स्टेट के पूर्व मंत्री और एक केंद्र के भी पूर्व मंत्री रह चुके, दोनों नवादा पहुंचे हुए थे। जीवेश मिश्रा जो कि पूर्व में श्रम मंत्री संभवतः थे जब नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार जब 2020 में जब बनी थी तो उसमें शुरुआती दौर में जीवेश मिश्रा भी मंत्री बनाए गए थे और जीवेश मिश्रा आए हुए थे नवादा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा जो उन लोग का कोर कमेटी होता है उसके साथ बैठक किए, उसके बाद विधानसभा स्तर पर प्रभारी की नियुक्ति की गई। ये सारी गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई। जिलाध्यक्ष अनिल मेहता से लेकर के कई सारे नेता वहां पर मौजूद थे उस दौरान। दूसरी गतिविधि कल ही चल रही थी जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में पिछली सरकार में उद्योग मंत्री थे आपको सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, बड़े चेहरे हैं पार्टी के, वो भी नवादा पहुंचे हुए थे और वो नवादा में हिसुआ में जो हिसुआ के पूर्व एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल सिंह के आवास पर पहुंचे थे और वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ से के सामने से रूबरू हो रहे थे और उस दौरान वो मीडिया वालों से भी रूबरू हुए। तो कार्यकर्ताओं के साथ जब उन्होंने बैठक किया और उस दौरान जो उन्होंने कहा कुछ, वो हम आपको पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे आगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला कार्यालय में जो गतिविधि चल रही थी, लोकसभा कार्यालय उद्घाटन और बैठक उठक, उसका भी कुछ वीडियो फुटेज है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप इत्मीनान से गौर से देखिएगा, जब हम लास्ट में वीडियो के साथ आपको छोड़ दिए जाएंगे तो देखिएगा। दो दो गतिविधियां थी। शाहनवाज हुसैन जब अपने कार्यकर्ताओं को वीडियो फुटेज संयोग से हमारे हाथ लग गया है, तो वो जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर एक तरह से मैसेजिंग ही कहीं ना कहीं दे दिया और कहे तो हम लड्डू लेकर के आए हैं। लड्डू लाने के पीछे का मकसद उन्होंने बाद में उसको डिकोड किया कि भारत रत्न मिला है पार्टी के संस्थापक इनको लाल कृष्ण आडवाणी जी को, देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो उसी की खुशी में हम लड्डू लेकर के आए हैं। तो समझ सकते हैं कि लड्डू लेकर के अगर पहुंच रहे हैं तो अनायास तो नहीं पहुंच सकते, कुछ पूर्व से ही कुछ ना कुछ तैयारी थी और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का था। और वहाँ पूर्व विधायक अनिल सिंह तो मौजूद थे ही, इसके अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, ये सारे भी मौजूद थे। जिला के महामंत्री रामानुज कुमार हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा जितने भी मंडल हैं हिसुआ विधानसभा में, 5 मंडल या जो भी है, वो सारे भी अध्यक्ष वगैरह मौजूद थे। एक अच्छी खासी मीटिंग वहाँ पे हो गई थी विधायक, पूर्व विधायक के आवास पर। उसके बाद ये तो कल का घटनाक्रम था। आज का घटनाक्रम की आपको बताते हैं। आज का घटनाक्रम ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी की बैठक और उसमें प्रदेश मंत्री सीमा पांडे या कुछ नाम है वो आई हुई थी, संगठन मंत्री भी, क्षेत्रीय प्रभारी भी, मतलब बहुत सारे महिलाओं का जुटान वहां पर संगठन और मोर्चा का और नेता कार्यकर्ता का था वहां। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वो भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में होना है, तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नवादा सीट पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर रही है और अपनी पुरानी परंपरागत सीट पर फिर से जो है सो
चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि इस बीच में एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी, मतलब चिराग गुट की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने 11 पार्टी नेताओं को डिफरेंट डिफरेंट जिला या लोकसभा का प्रभारी नियुक्त कर दिया है और उसमें नवादा सीट भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में 2019 का जो चुनाव हुआ था, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार चंदन सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे, बाद में वो चिराग गुट से अलग हो गए, अभी भी वो सीटिंग है, वो भी नवादा सीट चाह रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी उलझन है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है वो अपने कार्यकर्ताओं को अब तक यही मैसेज दे रहा है कि हमें चुनाव लड़ना है नवादा सीट में। तो चिराग का क्या होगा, चंदन का क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा था कि अल्टरनेटिव नवादा की बजाय जहानाबाद सीट मिल सकता है, लेकिन जहानाबाद में तो जदयू का सीटिंग है, हालांकि जहानाबाद में उन्होंने अपने चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या गुल खिलता है नहीं खिलता, लेकिन हमारे ये एक सोच ये समझ कर रही है कि अभी भी जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी नवादा सीट को बहुत सीरियस ले रही है और अपनी परंपरागत सीट मान करके इस पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। तो क्या कुछ गतिविधि रही, कुछ वीडियो फुटेज आपको हम जो हिसुआ विधायक के आवास पर जो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे ये शाहनवाज हुसैन, वो भी सुनाते हैं। इधर जीवेश मिश्रा का जो गतिविधि था कल, वो भी आपको दिखाते हैं वीडियो, और आज महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भी था, उसका भी कुछ वीडियो फुटेज हमारे पास उपलब्ध है, चाहते उसके साथ छोड़ दिए जाते हैं, आप देखिए जज कीजिए और आप आसानी से समझ जाएंगे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सो नवादा सीट को अपनी थाती सीट मान करके उस पर फिर से तैयारी कर रही है। पिछली दफा जो उसने लोजपा को हैंड ओवर किया था इस सीट को, नवादा सीट को, इस बार उस मूड में उसके लीडरशिप नहीं दिखते हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनसा और दबाव भी कुछ इसी रूप में है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ वीडियो और तस्वीर के साथ। उससे पहले एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको अंत जो छोड़े जाते हैं उसमें शाहनवाज हुसैन का वो इंटरेक्शन जो कार्यकर्ताओं के साथ उसको हम सुनाते हैं, बड़ा दिलचस्प है, जरूर सुनिएगा। देखिए मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, ये लड्डू लेके आया हूँ। आपके जो मन में है वो होगा ही। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपके मन में था कि अडवाणी जी को सम्मान मिले, क्या राजेंद्र बाबू भारत रत्न अडवाणी जी बने, कितने खुश हो गया है ना, पूरी पार्टी को बढ़ाने वाले, गांव गांव पहुंचाने वाले, अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन को पूरा देश में खड़ा करने वाले सबके अभिभावक, सबको लगता था कि अडवाणी जी को सम्मान नहीं मिला, लगा उसके घर के किसी बड़े व्यक्ति को सम्मान मिला, इसीलिए मैं ये लड्डू लाया। ये लड्डू हम पकड़ेंगे, हम अनिल जी और आप लोग अभी नहीं जल्दी कर तो आज तो खुशी मनाने का दिन है, तो कोई तनाव की बात नहीं। अडवाणी जी भारत रत्न बने और मोदी जी तीसरी बार एडवांस में प्रधानमंत्री भी बने, कोई कांग्रेसी मिले, राजद का मिले, उसको मंदिर मिले, जाइए कसम खिलाइए, गंगा जल हाथ में देंगे कि बोल मोदी जी बनेंगे कि नहीं, तो कहेगा नहीं बाबू बन गए, कहेगा कि नहीं, ऊपर से जो भी करे ड्रामा, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कि एकदम निश्चित कि मोदी जी का कोई कितना भी मोदी जी पे हमला करे, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। और हम लोग मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, अडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए ना। और कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया, अति पिछड़ा समाज के वो नेता, अब राजद का लोग अलग अलग मांग करने लगा है, अच्छा है कि लालू जी के लिए नहीं मांग रहा, उनका बस चले तो इनको लिए मांगी, लेकिन अडवाणी जी को क्यों दिया, क्योंकि राजनीति में एक आदर्श जीवन जिया है उन्होंने, शुचिता के साथ, एक बार झूठा इल्जाम लगा पार्लियामेंट की सदस्यता छोड़ दी और कहा जब तक निर्दोष साबित नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। आप केजरीवाल छोड़ रहा है, समन पे समन भाग रहा है।
मेरा नाम नेहा निश्चल हुआ, मैं क्षेत्रीय प्रभारी महिला मोर्चा भाजपा। नवादा आने का प्रयोजन? नवादा में आज हमारी कार्य समिति बैठक थी और जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा गौरी रानी जी के नेतृत्व में यह आयोजन सफलतापूर्वक हुआ।